देखो दीदी को कुछ दिनों तक बीमार थी और जैसे मैं रायपुर से आई ना उसके बाद क्या हो गया था कि हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी को भी वो हो गया था जॉइंडिस, तो उसके कारण मैं जॉइंडिस हो गया था। पीलिया को जॉइंडिस बोलते हैं। अरे तो कुछ नहीं पता दोस्तों, ठीक है, तो पीलिया बोल दिया उसको इंग्लिश में, जॉइंटिस बोलते हैं, तो वो हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को पूरे घर के काम करने पड़ते थे और मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी उसी कारणवश। तो मैंने सोचा कि जितने भी ब्लॉग्स हैं आधे मैंने डिलीट कर दिए थे क्योंकि जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितने बच्चे हुए, मतलब जो राखी का ब्लॉग था क्योंकि उसमें मेरी मौसी लोग भी दिखी थी, तो पहली बार मैंने मौसी को ब्लॉग में लिया था और मेरे भैया लोग, तो मैंने सोचा कि उसको डिलीट ना करूं और वो एक मेमोरीज के तौर पे है, वो आप ब्लॉग देख लीजिए, यही ब्लॉग है। और माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, जब तक के लिए आप ब्लॉग देखो। सो दोस्तों, ये मैंने मेहंदी लगाई थी दीदी को और ड्राइड से इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गीली हो रही थी और मानसून का टाइम था ना, तो पिघल रही थी मेहंदी, समझ। तो ये है मेरी मेहंदी दीदी ने लगाई थी, देखो रच गई पूरी ये। तो सावन का आखिरी सोमवार था और मैंने और मामी ने और दीदी ने व्रत रखा था और मामी लोगों ने पहली बार शंकर जी बनवाए थे। वैसे मामी ने तो बनाए थे लेकिन दीदी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बनाए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इनको समझाने में कि कैसे क्या करना है। तो राखी बांधने का मुहूर्त 1 बजे के बाद था, तो हम लोग ने सोचा पहले पूजा ही कर दी जाए। और ये था, यहाँ पर मम्मी बांध रही हैं राखी मामा को, एज़ यूजल दिख ही रहा होगा। तो गाना कोई गाया नहीं था तो मैं ही गाना गा देती हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, खा लेगा तू ये सब, खा नहीं सकती मामी व्रत, अपन रातों पूरी खा लेंगे एक बार में। भाई बेटा ने खाएंगे, खिलाना ना यार से उपास अच्छा है। प्यारी थाली थाली हर्षित की मोती चूर के लड्डू खा, बूंदी के लड्डू है, हाँ बूंदी के, और दीजिए लड्डू देख खसी तो देखो My God, लड्डू मेरे राखी के। उस बार मैंने इसको बहुत गाना गागा के इरिटेट किया था, भैया मेरे अब लोग गाएंगे भैया मेरे, तुम तरह नाना 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 सिनेमा हर्षित का। है? और बहन को बहुत सारा गिफ्ट दे, अभी तो बोल पहले राखी बांधते ना, पहले राखी तो बांधते फिर लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खाने को भूख है। अभी दीदी ने खिलाया ना, भैया मेरे राखी के बंधन को भैया मेरे छोटी बहन बड़ी बहन को ना छोटे बहन मान गई थी नहीं मान गई आज तक मैं एक्सेप्ट कर लिया कि तू छोटी बहन है। अरे ये अरे वो इसमें भी खुश है, मैं लोगों को पहनाऊंगी कि चलो नहीं यार पहले बड़ी बहन को बांधते हैं, टाइट लगेगी वो सबके लिए है गिफ्ट, वही वाली से कर पाएगी नहीं तो हां क्या मैं तो लंबा वसूलूंगी। देखो देखो दीदी ने मेरे को हाथी वाली बांधी है, मेरा हाथी फेवरेट।
दीदी मुझे राखी बांधेंगे कोई सी आंड क्यूट सी बहना मेरी राखी के बंधन को पहली सेकंड नंबर पे छोटी देंगे मेरा लुक और देखो मेरी मेहंदी कितनी काड़ी काड़ी काली हुई है तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैया लोगों क्या तो मैं आप लोगों को वहाँ जाके भी सबसे मिलवाऊंगी मौसी से मिलवाऊंगी अपने भैया से मिलवाऊंगी तो चलो पहले चेंज करके जाऊंगी मैं क्योंकि एक सेकंड चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उधर पे जाने में बड़ी दिक्कत आएगी और मेरे को शर्म आती है ऐसे साड़ी पहनने में जैसे दिक्कत अच्छी रही हूँ मैं शायद देखो साड़ी मुझे दीदी ने पहनाई है फ़ोन गिरने वाला था हम लोग आए हैं यहाँ पे मामा क्या करते थे मामा क्या करते थे मामा मामा क्या बोल रहे थे आप पीछे यहाँ पे मामा गाइस यहाँ अखाड़े में मामा कसरत करने जाते थे अभी बंद हो गया शायद से और यहाँ पे माया मंदिर भी हो सकता है हम लोग उसको भी कवर करें अभी भैया आ रहे हैं अब देखते हैं मिलते हैं मतलब मिलाएंगे आप लोगों को हनुमान जी की फोटो है जय हो भगवान जी इसका ब्लॉग बना रहे भैया उधर कैसे बैठूंगा मंदिर ले जाता हूँ तो सामने जब तक बाल बड़े नहीं होते मेहंदी करने की कोई मतलब नहीं है इसलिए खाना बन रहे यहाँ पे मैं फिर से गाना नहीं गा पाई थी तो फिर से गाऊंगी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को ना सताना भैया मेरे ओहो हो तो दोस्तों अर्चित ने मेरी बहुत ही गंदी वीडियो बनाई थी मतलब मुंह ही काट दिया था हर जगह से अब इसको कैमरामैन के पद से निष्कासित किया जाता है एक और गाना हो जाए फूलों का तारुक सबका कहना है 15 करोड़ मेरी बहना है भैया की बहना है ढंग से बना रहा हूँ भाई देख रहे भैया ऐसे करती मेरे साथ और दोस्तों यहाँ पे मैं मिठाई खाने ही वाली थी लेकिन और यहाँ एक बहुत ही बड़ी अनहोनी होने से बच गई आज मेरे खाने के प्रति भूखे मन ने मुझे बचा लिया खाओगे मौसी को करना है आपको दीदी सो दोस्तों ये है मेरी मौसी मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन और सगी बड़ी बहन कहा जाए तो और मैंने इनको बहुत दिनों बाद मिली हूँ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तब से शायद से मिली नहीं दोस्तों ये मेरे छोटे भैया है मतलब बड़े भाई है वो सबसे बड़े भाई है वो तो मेरी मौसी है ना उनको ले रही हूँ मैं ये है बड़े भैया और ये है बड़े भैया ये सबसे बड़े हैं ये बड़े हैं और मौसी यदि ये घर के जस्ट पीछे में किराए घर है ना वहीं पर जन्म हुआ हॉस्पिटल हेलो करो क्या है यहाँ खींच रही है इधर राधा कृष्ण यहाँ पे हो रही है हाय तो कर दो व्लॉग है हाय कर दो क्या हाय कर रही हाय कर ना वीडियो बन रहा ना उसमें वीडियो बना रही है अच्छा ये मेरी बड़ी बहन है इधर काटना पड़ेगा ये मेरी बड़ी बहन है और ये मैं हूं देख लो ये मेरी बड़ी बहन गाइस ये मैं हूं और ये पारवी हो रही है ये बड़ी बहन है हाँ। बड़ी मौसी है क्यूट सी एकदम हाय मौसी बाय बाय चलो दोस्त चलते हैं
तो दोस्तों ये है श्री ठाकुर रामचंद्र जी स्वामी जैतू सौ मठ, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मठ है। जैसे आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा ना, दूधाधारी मठ वैसे ही है। और यहाँ पे मेरी मम्मी बचपन में खेला करती थी अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे धमा चौकड़ी मचाया करती थी। और इसके अंदर इतना प्यारा डेकोरेशन, ऐसा लग रहा था यहीं पर रह लो, यहीं पर बैठे रहो, पता नहीं कितना सुंदर था। और ये है राधा कृष्ण जी का सावन का झूला। यहाँ हर मंदिर में सावन का झूला बनाया जाता है, और कहते हैं कि सावन में झूला झूलाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं देख लूं, क्योंकि यहाँ कटनी के झूलों में ऐसा कुछ होता है। और ध्यान से देखने में मुझे पता चला कि वो जो राम जी का मठ था वैसे ही यहाँ पे ऐसे एक दो और मठ हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है और पुराना है। थोड़ा सा इसको पॉलिश किया गया, मतलब पेंट वगैरह, और उसका मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे से रखा गया, मेरी मम्मी बता रही थी। और मेरी मम्मी यहाँ देख के बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ मौजूद है श्री राम सेतु शिला, जो की 11 किलो की है, और ये रामेश्वरम से लेके आए थे। इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। पहले इसको ऐसे ही रखा गया था, उसके बाद इसको एक्वेरियम में रख दिया गया ताकि सेफ्टी के लिए। और मैं इस झूले की बात कर रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। देखो मेरी मम्मी को खुशी, उनकी खुशी अलग ही नेक्स्ट लेवल की थी। और मैं भी झूला झुलाई भगवान जी को, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद हम लोग महामाया मंदिर भी गए थे। आपने महामाया मंदिर का तो व्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है, जाके देख लेना। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और ये मेरी दीदी ने लिया था ऐसे क्लिप, मैं दर्शन में बिजी थी और मैंने ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। जबकि मैंने एक सांस में बोल दिया है तो और बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे थे घर। अब आपके स्पेशल खीर जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और ये छोले की सब्जी हम लोग सुबह नहीं खा पाए थे और अभी खाएंगे, बची हुई है, माँ बनाया है मामी ने। गाइस ये सब खड़े हुए हैं, ये भी नहीं मेरा सोच गया है। और बारिश हो रही है, हम लोगों को घूमने जाना था। कैसा लग रहा है दीदी, क्या घूमने जा पाएंगे? उम्मीद उसने बोल मेरा मैं ऐसी बन अच्छा लग रहा है। गाइस हम लोग रेनकोट में, पता नहीं ये कैमरा पूछा नहीं रहा, ये कुछ ऐसा है। देखो दीदी को कैसे अलग से दिख रहे हैं। और ये एक जन है, अभी जीजू गए पता नहीं कहीं काम से। हम लोग ऐसे हैं, हमारा मिशन है घूमना, घूमना है हमारा मिशन। बारिश हो जाए लेकिन घूमना नहीं, रुकना चाहिए। चल अगर टूट जाता ना तो बहुत मारती ना भी तेरे को। फिर से हम लोग खा रहे हैं ये। दोस्तों यहाँ बारिश नहीं हुई, और उधर देखो कितना बारिश है, यहाँ पे सूखा है बस, यहाँ गीला है क्योंकि हाथ धोते लोग, पूरा सूखा है। देखो यहाँ मिट्टी तक गीली नहीं है। अब बताओ मेरा हाल क्या है बेहाल। अरे थैंक यू भैया। फिर हम लोग मोमोज खाने के लिए रुके हैं, अब देखो। कैसे कर रही है उसको, देखो ऐसे के वैसे ही खड़े, पूछिए ये देखना देखना देखना, कुछ तो होने वाला है। इसको देखो, ये वो मिलो। अरे यार मम्मी वो होने वाली है, झड़क होने वाली, जल्दी आओ होंगे, कुछ हो रहा मैटर, देखना देखना। अब उसकी चाल कोई मतलब नहीं है, मजा आ रहा हूँ। ओ माय, अब होने वाली बहुत कुश्ती होगी, अभी बातचीत हो रही है कि हाँ। ये पीछे पीछे आया जो कुत्ता, हम लोगों के वहाँ के दो कुत्ते परेशान। हाँ भाई बता कहाँ से आया है तू, ये एक बहुत है। एक कोई आया है बिस्किट लेके। अर्ची जी तो चेरी ऐसे कर रहा है भाई, मत किया कर ऐसा। मुझे पता नहीं होगा मेरे साथ क्या होगा, वो एक विश्वास होता है। हाँ। कि ये हमारे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। इधर अच्छे से करो, वहाँ से है उसके साथ चढ़ने वाला के जीजू का जाएगी। यही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आगे मैं अब
करूँगी प्रॉपर व्लॉगिंग, ढंग से व्लॉगिंग, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।